खेलेगा सर, बिल्कुल खेलेगा, क्योंकि बंटी साहू का जो नेतृत्व जो है छिंदवाड़े में जो व्यवहार है। सर तमन्ना जी इस बार तो तमन्ना सरकार आएगी और मतलब सब लगे हैं, लेकिन वही है कि जीते कौन बहुत ज्यादा है, ऐसे 1920 ही जीतते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, छिंदवाड़ा बेहद हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, क्योंकि यह जिला है पीसीसी चीफ कमलनाथ का। पिछले विधानसभा चुनाव में 7 की 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था, जिसके बाद इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को दहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दी है। इस क्रम में छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को बनाया है। देखना यह होगा कि यह गढ़ जो कांग्रेस का माना जाता है, इस चुनाव में क्या भाजपा दहा पाएगी। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विवेक बंटी साहू को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। छिंदवाड़ा में अक्सर कांग्रेस जीतती है, क्या इस बार छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कमल खेलेगा? क्या कमल ही खेलेगा? पक्का खेलेगा कमल। ऐसे कौन से कारण है जिनके कारण भाजपा जीतेगी? नहीं, अपना उद्देश्य ये है, अपन शुरू से ही कमल को देते आए, कमल को जिताएंगे। उनको टिकट दिया है, क्या विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा विधानसभा से कमल खिला पाएंगे? देखिए पिछले साल भी थे बंटी भैया, इस साल भी उनको टिकट मिला, लेकिन वो जिस प्रकार से अभी 5 साल में घूमे फिरे हैं मार्केटों में, मतलब मार्केटों में या फिर गाँव में या फिर कहीं पर भी बंटी साहू अपना पूरा सहयोग दिए, इस साल लग रहा है कि बंटी साहू आया। बाकी कमलनाथ तो आपको पता ही है कि इतने साल में कोई नहीं हरा पाया है, इस बार का बहुत ज़्यादा टक्कर रहेगा मेरे ख्याल से। विवेक बंटी साहू को भाजपा ने टिकट दी है, क्या इस बार बंटी साहू कमल खिला पाएंगे? जी बंटी साहू भैया जी ने तो पिछले बार बहुत कोशिश करे थे और बहुत कम अंतरालों से हारे थे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कमलनाथ जी के आंजे बंटी जी थोड़े सीधे पड़ जाएंगे, इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का घर है और इसको हरा पाना बहुत कठिनाई भरा है। मेहनत करेंगे तो बंटी जी शायद सफल हो पाए। मनोज तुम्हारा हरवा विवेक बंटी साहू को भाजपा ने टिकट दिया, इस बार क्या छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कमल खिल सकता है? कांग्रेस कमल यहाँ भी बाकी उसकी जगह कोई काम करता है ही नहीं है। बंटी साहू तो कभी आके झांकता तक नहीं है यहाँ पर, कभी पूछे भी तो अपन सब अरे वोट भी डाल सब करेंगे, कुछ तो पूछ ही नहीं रहा है अपन भी, क्या मतलब बोल सकते हैं कि कमलनाथ जी यहाँ से हराना है नामुमकिन है। पिछले बार मोदी जी भी आए थे तो भी यहाँ से हारी थी बीजेपी, इस बार और अभी इतने सारे मतलब पंडित जी आए, धीरेन्द्र शास्त्री आए और मतलब सब लगे हैं, लेकिन वही है कि जीते कौन बहुत ज़्यादा है, ऐसे 1920 ही जीते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही जीते हैं क्योंकि दोनों ने काम करे हैं ना, बंटी भैया ने घर घर जाके करे हैं, उन्होंने पूरा योजनाओं का काम इधर से उधर, मोदी जी है अपना शिवराज जी है सब काम कर ही रहे, तो टक्कर में है इस बार। क्या नाम है? संतोष सोनी सर। छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव के लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को बनाया जी। छिंदवाड़ा में पिछली दफा चुनाव हुए थे कमलनाथ विधायक बने जी, क्या इस बार बंटी साहू कमल छिंदवाड़ा विधानसभा को खिला पाएंगे? देखिए मेहनत तो कर रहे हैं और दोनों पार्टी अपने स्तर से कर रही है, अब ये तो समय बताएगा कि किसका पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि भाई बंटी भी पुराना कैंडिडेट है यहाँ के, बहुत से लोगों से परिचित हैं, कमलनाथ जी भी काफी समय से हैं, अब किसका रुझान किशोर जाता है कह नहीं सकते। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं? बस वही बोल रहा हूँ मैं, क्या होता है जैसे पिछले बार कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री का चेहरा था तो लोगों ने उनको देख के वोट दिए थे, अब आगे क्या होता है इसका कोई मामला पक्का नहीं, तो जनता भी किस ओर बैठेगी ये भी नहीं कह सकते। मुकाबला कैसा होगा? जोरदार, दोनों टक्कर के। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया जी, आगामी चुनाव को देखते हुए क्या दिख रहा है? सर तमन्ना जी इस बार तो तमन्ना सरकार आएगी, वो इसलिए आई है छिंदवाड़ा का जो विकास था वो रुक चुका है पूरा, जो मेडिकल कॉलेज है और जो ब्रिज है वो सब विकास रुक चुका है पूरा गाँव, और बेरोजगार और बेरोजगार हो रहा है, इससे क्या है कि कमलनाथ जी सरकार तो इस बार आने ही आना है, क्योंकि जब बीजेपी आई है
उन्हें सिर्फ लाइटली बहनाओं के ऊपर पूरा पैसा खर्च कर दिया। सरकार तो एकदम कंगाल हो चुकी है, तो पैसा जरूरी नहीं है। अरे इंसान काम करता था तो पैसा मिलता था, अब काम ही नहीं कर रहा और पैसा मिल रहा है उनको। आपका मेरा नाम सुनील कुमार है। विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू बनाए गए, क्या छिंदवाड़ा में स्थिति रहेगी इस इलेक्शन में? छिंदवाड़ा में तो स्थिति बहुत ज्यादा टक्कर की रहेगी। दोनों पार्टी दमदार है, कमलनाथ जी का ये गढ़ है और बंटी भैया को इस बार टिकट मिली है, अब देखते हैं। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने बंटी साहू को टिकट दिया है, क्या इस बार छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कमल खेलेगा? खेलेगा सर, बिल्कुल खेलेगा, क्योंकि बंटी साहू का जो नेतृत्व जो है छिंदवाड़े में जो व्यवहार है वो काफी अच्छा है, उनके प्रति जनता के प्रति उनका पूरा सपोर्ट मिलता है। वो हर क्षेत्र में और हर जिले में उनका एक ये है, वो हर काम में विकास में सहयोग देते हैं, अच्छे छोटे बड़े इसमें हर कार्यक्रमों में उनका सहयोग रहता है। और हमें विश्वास है कि कमल खेलना ही चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार और उनके विकास को कार्य को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ चेंज होगा। क्या नाम है आपका? अमित गौर से। जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, यूं तो छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इस बार क्या बंटी साहू कमल खिला पाएंगे? मुश्किल लगता है खिला पाएंगे, कोशिश तो सभी की है कि भाई अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, मगर कमलनाथ जी को मतलब हटाना मतलब नामुमकिन है कि भाई हटा पाएं। हम तो चाहते हैं कि सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो दिखता है वो करते हैं, जो नहीं होता है वो लोगों का रहता है कि भाई जो जिनको जैसा करने कहने का वो बेहतर रहता है, कहने से कुछ नहीं होता। जनता को ये दिखना चाहिए कि विकास कहाँ और कैसे होता है और कौन कर रहा है, बस हम ये चाहते हैं कि भाई जो करता है उसको सहयोग करे, उसका साथ दे, सबसे अच्छी बात। बाकी और किसी के जनता के बेकार में तो वो आना नहीं आना सब अपने अपने ऊपर होता है। हम तो कहते हैं कि भाई खुद देखो, खुद ये जानो कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा क्या नहीं। मैं तो कहता हूँ कि भाई अपने आप से पहचानो और खुद उभरो और चार लोगों को उभार हो और तुम्हें उभर रहे तो ठीक है, जिसको जैसा लगता है वैसा करें। क्या नाम है? सिकंदर। प्रत्याशी घोषित कर दिया, प्रत्याशी घोषित कर दिया, अब क्या छिंदवाड़ा, वैसे तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो क्या छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा? अब वो तो अभी बाद में पता चलेगा, अभी तो एक पार्टी में सीट वो घोषित हुआ है पसाती, दूसरी पार्टी का भी पता नहीं चल पा रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा और फिर उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। छिंदवाड़ा में जी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया जी। छिंदवाड़ा वैसे तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, हाँ। इस बार क्या कमल खिलेगा? खिलेगा ना, कमल खिलेगा। चुनाव को कैसा देख रहे हैं? ऐसा देख रहे हैं कि कमलनाथ जी जो है यहाँ बहुत वर्चस्व बनाने में पीछे रह गए थोड़ा सा। अभी क्या हुआ, जो भागवत वगैरह भी हुई उसकी वजह से ये कारण ये आ रहा कि ये सनातन की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। बीजेपी जो है पहले से सनातन की तरफ मतलब रुख है उसका, ये अभी अभी आया है, नया प्रोपेगेंडा है, कोई नई चीज नहीं है। अब कमलनाथ जी ये चीज जो लाए करके बनने के सरकार बनने के बाद हम 2000 देंगे, 1500 देंगे, 3000 देंगे, तो ये सरकार बनने के बाद ये पहले देने तो इनके चांस ज्यादा है। आपका शुक्रिया। नमन सोनी बोलना, बहुत बढ़िया बोला लड़के ने, आइए सरकार। पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, यूं तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्या इस बार विवेक बंटी साहू कमल खिला पाएंगे, कैसा देखते हैं? नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं कि गढ़ है, इसके पहले भी लोकसभा चुनाव जीते हैं, इसके पहले 7 सीटें जीती है बीजेपी ने, वो तो पिछला चुनाव हार गए थे, तो ऐसा तो है नहीं। उनकी कुछ ऐसे झूठे वादे करे थे कांग्रेस ने, उसके बहकावे में आ गए थे किसान लोग, तो उसमें दिए, लेकिन किसानों ने देख लिए सच्चाई क्या है,
तो इस बार तो यहाँ पे कम से कम 4 सीटें निकाल रही है बीजेपी, 7 में से 4 सीटें जीतेगी छिंदवाड़ा जिले की। और शायद छिंदवाड़ा की भी इस बार भी बंटी साहू सबसे सतर्क दावेदार है और वो यहाँ की सीट निकाल लेंगे, बहुत भारी टक्कर दे रहे हैं। राजेश तिवारी, छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव की पहली टिकट विवेक बंटी साहू को भाजपा ने दी है जी। चुनाव शुरू हो गए हैं, चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, क्या माहौल पा रहे हैं? मुझे कुछ पता तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि माननीय कमलनाथ जी ही जीतेंगे। विधानसभा क्षेत्र से बंटी साहू को भाजपा ने टिकट दिया है, क्या छिंदवाड़ा में कमल खिल सकता है? नहीं, कांग्रेस की सरकार आएगी इस बार भी, इस बार क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक उन्हें कांग्रेस ने ही यहाँ का छिंदवाड़ा का जो भी उन्नति उन्हीं का कारण हुई है, कमलनाथ जी का। छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विवेक बंटी साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज जब वोटर से बातचीत की गई तो वोटर ने यह बोला है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अभी आना बाकी है, इसके बाद ही तय हो पाएगा कि दोनों दलों के बीच जो घमासान होना है वह किस रूप में होगा और किस तरह का परिणाम देने वाला होगा। कहीं ना कहीं वोटर इस चुनाव को लेकर जबरदस्त टक्कर होने की बात कह रहा है और वोटर के मन में दोनों दल के प्रत्याशियों को लेकर जिज्ञासा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद आम जनता के मन में कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे इसको लेकर एक मन में वहां पर की स्थिति है। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा जल्दी हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा विधानसभा की स्थिति स्पष्ट होगी और वोटर ने बड़ा स्पष्ट बताया है कि चुनाव बेहद रोचक और कांटेदार होगा। अजय द्विवेदी, RBC 24 छिंदवाड़ा।